हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवी के टिप्स। और मैं हूँ रेखा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मेरे पास इस फेशियल के लिए एक रिक्वेस्ट आई थी। तो आज मैं समर के लिए आपके साथ फेशियल शेयर करने वाली हूँ, जो कि एकदम DIY रेमेडी होगा, एकदम होममेड फेशियल है। और आपको ये बहुत ही अच्छा कूलिंग इफेक्ट देगा ये फेशियल, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं फेशियल शेयर करने वाली हूँ वो है वाटर मेलन फेशियल। और वाटर मेलन तो आप सभी जानते हैं खाने में जितना अच्छा होता है, बहुत सारा पानी होता है, गर्मियों के लिए सबसे अच्छा फ्रूट माना जाता है, क्योंकि वाटरमेलन में होता है 90% पानी, और जो कि हमारी बॉडी को भी डिहाइड्रेशन से बचाता है और हमारी स्किन को भी डिहाइड्रेट होने से बचाता है। तो बहुत ही अच्छा फेशियल है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर अभी आप समर में कोई स्पेशल फेशियल देख रहे हैं कि समर में किस टाइप का फेशियल आपको करना चाहिए नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा और एंड तक आपको वॉच करना है, क्योंकि इसमें 4 स्टेप्स होंगे जो कि आपको फॉलो करने हैं और बहुत ही ध्यान से देखना है। लेकिन उससे पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने भी मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ रेड कलर का सब्सक्राइबर जाकर दबाइए, प्रेस कीजिए और सब्सक्राइबर बनिए। इसके बाद में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, उससे आप मेरे नोटिफिकेशन पा सकेंगे, मेरे न्यू रेमेडीज़ को देख सकेंगे, हेयर स्किन सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो, मेकअप से रिलेटेड वीडियो, फैशन में अभी क्या इन है क्या आउट है, सारी चीज़ें आप देख पाएंगे मेरे इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर इसको वॉच कीजिएगा। और चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, आप आगे बढ़िए मेरे साथ में और देखिए कि इस फेशियल को हमने कैसे बनाना है, क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो करनी है। तो चलिए बनाते हैं इस फेशियल को और करके मैं आपको दिखाती हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप, पूरा फुल प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगी इस फेशियल को आपने कैसे करना है। हमें लेना है इसके लिए एक वाटरमेलन, और इसका जो भी ग्रीन पार्ट है वो हमें निकाल देना है। और इसके पीसेस हमें काट के रख लेना है। और इसके जो बीजे हैं, बीजे हम बिल्कुल अलग कर देंगे और इनको हमें मिक्सी में पीसना है। और इसका ये जो वाइट पार्ट है इसे हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि इसको हम क्लिंजिंग करने के लिए यूज़ करेंगे। अब इसे हमने मिक्सी में पीस लिया है इस तरीके से, तो इसका जितना भी जूस है और इसका जो भी इसका पल्प है वो हमें इसके सारे बेनिफिट्स मिल गए हैं। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने बालों को टाई कर लेना है। इस फेशियल को करने से पहले हम अपने बालों को काफ़ी अच्छे से क्लच कर लेंगे, या फिर आपके पास कोई हेयर बेल्ट हो या हेयर बैंड हो उसको आप लगा लीजिए। यहाँ पर मैंने बालों को काफ़ी अच्छे से क्लच कर लिया है। और हमारे फेशियल का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्लिंजर। तो क्लिंजिंग करने के लिए हमने, जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसका ये जो वाइट पार्ट है वाटरमेलन का, आपको इसको फेंकना नहीं है, ग्रीन वाला, इसको हम करेंगे थोड़ा सा प्रिक। इस तरीके से आपको प्रिक कर लेना है इसे, कुछ इस तरीके से प्रिक कर लीजिए। एंड आपको इसके दो पार्ट लेने हैं प्रिक करते हुए। कुछ इस तरीके से, एंड इसमें आपने ऐड करना है हमारा जो वाटरमेलन का जूस है वो हमने इसमें इस तरीके से ऐड कर देना है। इसमें इस तरीके से आप डाल दीजिए और बहुत सारा इसमें वाटरमेलन का जो पानी है वो काफ़ी अच्छा क्लिंजिंग का काम करेगा। और इसको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में करते हुए आपने अपने फेस की क्लिंजिंग करनी है काफ़ी अच्छे से। इस तरीके से आप तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पर क्लिंजिंग कीजिए। और आपके जितने भी ओपन पोर्स है, क्योंकि गर्मियों में अक्सर हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, इसमें इतना सारा पीएच लेवल आपका मेंटेन हो जाएगा, स्किन के जो पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। और आपने इसको करने के बाद में पोछना नहीं है, क्योंकि ये क्लिंजिंग का काम तो ये ऐसे ही कर देगा। नेक में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 मिनट हो चुके हैं हमारे फेस में क्लिंजिंग करते हुए,
अब इसे हमने बिल्कुल भी पोंछना नहीं है, इसके ऊपर हम करेंगे स्क्रबिंग। अब इसका जो हमारे फेशियल का सेकंड स्टेप है वो है हमारा स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के लिए हमने इसमें 1 से 2 चम्मच लेना है इसका जूस, वाटरमेलन का पल्प के साथ में लेना है। एंड इसमें हमें ऐड करना है सूजी या चावल का आटा भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर मैं सूजी ले रही हूँ 1 चम्मच। और साथ ही इसमें हम मिक्स करेंगे चीनी, चीनी आपने पिसी हुई लेनी है 1/2 चम्मच के करीब, क्योंकि चीनी में ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो कि काफ़ी अच्छा ग्लो देता है स्क्रबिंग के साथ साथ में। और सूजी जो है, सूजी आपको काफ़ी अच्छा स्क्रबिंग करके आपके फेस पर एक बहुत ही अच्छा ग्लो देगी और आपके ब्लैक हेड वाइट हेड को रिमूव करेगी। तो ये हमारा तैयार हो गया स्क्रब। अगर आपके पास सूजी नहीं तो आप चावल का आटा ज़रूर यूज़ करें, या वो भी ना मिले आपको तो आप नॉर्मली जो आटे का चोकर होता है वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। स्क्रबिंग के लिए हमने जो इसमें सूजी मिलाई थी एंड आपने शुगर भी मिलाई थी उसको हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि शुगर बहुत ही अच्छा स्क्रबिंग का काम करेगा आपके फेस पर। और आपके जितने भी डेड स्किन हैं, आपके ब्लैक हेड वाइट हेड हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। अगर आप इसमें सूजी की जगह चावल का आटा मिक्स करेंगे तो वो और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। आपके जो डार्क स्पॉट हैं, अगर किसी के फेस पर पिगमेंटेशन है तो उसको रिड्यूस करने में चावल के आटे से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। के बाद में आपने इसे पोंछ लेना है। हमारे फेशियल का जो थर्ड स्टेप है वो आता है मसाज। तो मसाज के लिए हम जेल बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 से 2 चम्मच वाटरमेलन का जूस ले लिया है। इसमें अब हम ऐड करेंगे मेरा जो 100% प्योर वाला जो एलोवेरा जेल है बिजॉय का, ये मेरा फेवरेट है और मैं इसको यूज़ करूँगी। तो इसमें हमने लेना है तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल मिक्स करना है। एंड साथ ही हमने इसमें ऐड करना है हनी, और हनी आपके फेस को काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़ करेगा। तो तकरीबन हमें इतना सा हनी इसमें ऐड करना है और ये हमारी मसाज क्रीम बनकर रेडी है। इस मसाज जेल से हमें मसाज करनी है अपनी। थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेकर आपने सर्कुलर मोशन में सिल्के से मसाज करना है। और पूरे प्रेशर पॉइंट के साथ में आप इसे कीजिए। अगर आंखों के आसपास करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आंखें सबसे ज़्यादा हमारी थकी हुई होती हैं और इससे बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। तो आपके जो भी डार्क सर्कल हैं वो भी रिमूव होंगे। काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन वाला फेशियल है ये, काफ़ी अच्छा आपके स्किन को ग्लो देगा और पानी की कमी को ये फेशियल बिल्कुल पूरा करता है। समर में सबसे बेस्ट फेशियल है ये और सबसे सस्ता फेशियल, क्योंकि अभी गर्मियों में सभी के घरों में वाटरमेलन ज़रूर आता है, क्योंकि ये सीजनेबल फ्रूट है और इसे सभी खाना पसंद करते हैं। नेक में भी ज़रूर मसाज कीजिए, क्योंकि हमारे रिंकल फाइन लाइन हमारे नेक में भी बहुत जल्दी आते हैं। और इस फेशियल को आपने वीक में एक बार तो ज़रूर करना है। अगर आपने हर हफ्ते एक बार भी किया तो काफ़ी सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे। फेस आपका इतना ग्लो करेगा कि आप बिल्कुल
पाएंगे अपने स्किन को क्रिस्टल क्लियर और एकदम कांच जैसी स्किन हो चमकने लग जाएगी आपकी। पिगमेंटेशन दाग धब्बे भी इस फेशियल से आपके रिमूव हो जाएंगे। किसी को अगर एक्ने का प्रॉब्लम है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो वो भी आपको इससे निजात मिलेगी एक्ने प्रोन स्किन से। इस तरीके से आपने जो क्रीम है इसको पूरी यूज़ करनी है। अगर आपको लगता है क्रीम आपकी ज़्यादा बच गई है तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और दिन में एक बार इससे मसाज कर सकते हैं इस क्रीम से जो हमने क्रीम बनाई है। तो ये हमारे मसाज का स्टेप जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर स्टेप यानी कि हमारे फेस मास्क की तरफ और इसे हमने ऐसे ही रहने देना है, इसके ऊपर ही हमने इसे अप्लाई करना है। अब हमारा जो लास्ट और फोर्थ स्टेप है फेशियल का वो है पैक। तो हम फेस मास्क एंड फेस पैक आप जो भी बोल सकते हैं उसके लिए हम 2 चम्मच इसमें वाटरमेलन ऐड करेंगे। साथ ही 1 चम्मच हमें इसमें ऐड करना है ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। इसके साथ ही आपने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच के करीब दही, और दही आपका पानी वाला नहीं होना चाहिए, खट्टा हुआ तो चलेगा। ये दही हम इसमें मिक्स करेंगे और ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सा एक फेस पैक रेडी है। और इस फेस पैक के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेशन से तो बचाएगा, साथ ही आपके स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट भी देगा। रिंकल, फाइन लाइन सब कुछ दूर होंगे इस फेस पैक को लगाने से। और इसे काफ़ी अच्छे से आपने स्मूथी इसको रेडी करना है, एक अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ में आपको इस पेस्ट को बनाना है। कुछ इस तरीके से हमने अपने मास्क को अप्लाई करना है अपने फेस पर और ये बहुत ही टाइटन इफेक्ट देगा आपके फेस पर क्योंकि दही में बहुत सारा लैक्टिक एसिड है जो आपको एकदम स्किन को गोरा बनाएगा। सन टैन का प्रॉब्लम है तो वो इस पैक से दूर हो जाएगा। और वाटरमेलन फेशियल से सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपकी स्किन गर्मियों में बाहर जा जा के झुलस गई है तो आपको एक डिटेन फेशियल का भी ये काम करता है और आपकी स्किन को एकदम रिपेयर कर देगा। तो कुछ इस तरीके से इस फेस मास्क को लगाना है और लगा के आपने इससे तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है और 15 मिनट आप घर में लेट कर आराम कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि अभी हमारी सिटी में लॉकडाउन चल रहा है तो अभी वीडियो में आप देख रहे होंगे मेरा जो बैकग्राउंड कि मैं घर पर ही वीडियो बना रही हूं क्योंकि आप ये समझ दीजिए कि मेरा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और मैं घर से वीडियो बना रही हूं। तो ये हमारा फेस पैक कम्प्लीट और अब हम 15 मिनट के बाद में इसको रिमूव करके आपको रिजल्ट दिखाएंगे। तो दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं मेरे फेस पैक को और अब मैं इसे रिमूव करना आपको बताऊंगी। तो हमारे पास में वाटरमेलन का जो जूस बच गया है इसको हम अपने फिंगर पे थोड़ा सा लेंगे और अपने फिंगर को थोड़ा सा गीला करते हुए कुछ इस तरीके से मसाज करते हुए छुड़ाना है इस फेस पैक को। और आपने फिर इसे जाके पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है। तो अब हमने फेस पैक भी रिमूव कर लिया है, अब आप रिजल्ट देख सकते हैं। कितनी अच्छी सफल और स्मूथ स्किन हो जाती है। और करने के बाद ना गाइज मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात कि बहुत ही ग्लो इफेक्ट आता है, बहुत ही व्हाइटनिंग सी फील होती है, स्मूथ फील होता है आपका स्किन आपको और साथ ही वाइटनिंग इफेक्ट भी आता है और बहुत ही कूलिंग और सूदिंग लगता है। आपका जो माइंड है एकदम रिलैक्स हो जाएगा। इन गर्मियों में इस फेशियल को आप ज़रूर करके देखिए। और दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा फेशियल समर स्पेशल फेशियल पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे फैमिली फ्रेंड में भी आप इसको शेयर कीजिए क्योंकि अभी समर सीजन है और सभी एक अच्छा सा समर फेशियल घर पर ढूंढ रहे होंगे क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो पार्लर वगैरह सब कुछ बंद है और सभी चाहते हैं अपनी स्किन को प्रिपेयर करके। इतना जरूरी नहीं कि हम किसी शादी पार्टी में या किसी गैदरिंग में जाएं तभी हम अपने स्किन की केयर करें। हमें ऑल टाइम सुंदर दिखना है और ऑल टाइम अगर अपने स्किन को केयर करके रखना है तो ये डेली रूटीन जो है हमारे मेकअप के, हमारे स्किन के, इसको फॉलो करते रहना चाहिए, बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। और फेशियल आप इस फेशियल को वीक में एक बार जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली बार समर स्पेशल कुछ अच्छी सी चीज के साथ में।
तो बाय बाय, अगली बार मिलते हैं।